नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो अभी आप देख रहे होंगे ये नज़ारा। तो अभी आज मैं और अक्सी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप गैस करो। वैसे आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा, और मैं और अक्सी जा रहे हैं अक्सी के ननिहाल। और ये देखिए खूबसूरत नज़ारा। और ये देखिए ये टोल टैक्स, हम टोल टैक्स में पहुंच चुके हैं। और ये देखिए यहाँ पे हमारे सामने नथानी भाई साहब रहते हैं। तो उन लोगों को गांव जाना था पूजाई में, तो उन्होंने कहा अगर तुम जा रहे हो, तुम भी कोटद्वार जा रहे हो, तो हमारे साथ ही चल लो। तो हम उनके साथ उन्हीं की गाड़ी में कोटद्वार आ रहे हैं। तो हम पहुँचने वाले हैं, हम पहुँच जाएँगे 8 बजे तक, क्योंकि ठीक सुबह 5 बजे हम निकल चुके थे। और देखिए सूरज भी निकल गया है, और अक्सी देख रही है, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इस वक्त सूरज भी। और अब अक्सी ले रही है बाहर खूबसूरत नज़ारों का वो ले रही है, लुत्फ़ उठा रही है वो। और ये देखिए हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं, और बहुत ही सुंदर यहाँ पे पेंटिंग हो रखी है हरिद्वार में। ये देखिए हरि के द्वार। और अब हम धीरे 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 पहुंच ही जाएंगे कोटद्वार, जो कि बहुत ही नज़दीक पहुंचने ही वाले हैं हम। और बहुत जैसे होता है ना इंतज़ार, तो वही हो रहा है ये कब पहुंचेंगे। और देखिए सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है। और आज जो है हरिद्वार में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि जो है आज पूर्णमासी है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा। और अभी हम बाहर झांक के देख रहे थे, मैं कैप्चर तो नहीं कर पाई, लेकिन हर की पैड़ी में इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि मतलब लोगों के सिर्फ सर दिखाई दे रहे थे। और ये देखिए नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। इस वक्त हम पहुँच गए हैं चंडी पुल में, और चंडी पुल से निकल रहे हैं अपने कोटद्वार की तरफ। और अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे ढाबे में, तो अभी सबको चाय पीनी है, क्योंकि सुबह सब ऐसे ही आ गए थे, क्योंकि सुबह सुबह खाने पीने का मन तो करता है नहीं। तो अब यहाँ पे हम लोग चाय वगैरह पी रहे हैं, मैं तो पीती हूँ नहीं चाय, तो मैं अक्सी के साथ ले रही हूँ थोड़े से चिप्स। और उसके बाद निकलेंगे हम लोग अपनी मंजिल की तरफ आगे की ओर। और ये देखिए हम लोग निकल चुके हैं आगे, और बहुत ही जल्दी हम कोटद्वार पहुंच जाएंगे। और ठीक पूरे 1 साल बाद हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और बच्चों की छुट्टियाँ जब होती है तभी जाया जाता है, और इस वक्त लगभग सभी कुछ अपने नानी के घर गए हैं, कुछ लोग अपने दादी के घर गए हैं, सभी रिश्तेदारी में इधर उधर गए हैं। तो हमारा मोहल्ला हो गया है बिल्कुल खाली। तो उन्हें देख देख के ऐसा लग रहा था मुझे सारे लोग चले गए, मेरे को ही लेट हो गया है, तो इसलिए मैं भी अक्सी को लेके चल पड़ी। और अनमोल जो है वो भी घर पे ही है, क्योंकि अब की बार अनमोल नहीं आ रहा है, उसने मना कर दिया है। नहीं तो सबसे पहले अनमोल छुट्टी का वेट वही करता था, और जैसी छुट्टी होती थी वो पहुँच ही जाता था कोटद्वार। अब की बार वो नहीं आया, वो बहुत बोर होने वाला है। और फाइनली हम लोग नज़दीक आने ही वाले हैं, हम लोग पहुँच चुके हैं नज़ियाबाद में। और नज़ियाबाद में पहुँच ही गए हैं। उसके बाद हम पहुँचेंगे कोटद्वार, और मेरे साथ साथ आप भी ले रहे हैं मज़े। और ये देखिए हम पहुँच चुके हैं कोटद्वार। ये कोटद्वार की है मंडी, यहाँ पे फल फ्रूट्स वगैरह और सब्जी वगैरह मिलती है इस समय सुबह। और ये देखिए हम पहुँच चुके हैं, लोग पहुँच चुके हैं कोटद्वार। अरे यहाँ कमरे में कोई नहीं है, और अक्षी के नाना जी दुकान में है, अभी नानी पता नहीं कहाँ है, नानी को देख ले पहले पीछे। तो अब हम फाइनली पहुंच गए हैं कोटद्वार। हम लोग हमारे पड़ोस में से कोई आ रहा था, तो उनकी गाड़ी से हम लोग यहाँ तक आ गए थे। तो फिर झंडा चौक से हम लोग ऑटो में आए, और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, और 8 बज चुके हैं सुबह के। अब मैं करती हूँ अनमोल को फ़ोन, क्योंकि अनमोल इस बार हमारे साथ नहीं आया है, तो अनमोल को फ़ोन करके बताती हूँ कि हम लोग पहुँच गए हैं। तो हम फाइनली पहुँच गए हैं छुट्टियाँ मनाने के लिए ननिहाल अक्सी के। तो बाय बाय गाइस, तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मेरी जैसे मुस्कुराते रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।